वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है गुजराती कढ़ी। वैसे देखा जाए तो हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, और उनमें से भी कुछ लोग हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। वो मिट्टी के अंदर जो पैदा होता है वो नहीं खाते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, आलू वगैरह वगैरह। तो इन्हें जैन या जैन फूड कहा जाता है। गुजराती कढ़ी उनमें से एक है जो नो ऑनियन नो गार्लिक से बनता है, और इसका टेस्ट राजस्थानी कढ़ी पंजाबी कढ़ी से बहुत ही अलग और डिफरेंट है। तो मैं उसे अपने रूल, चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम बेसन। आप चाहें तो पकौड़े बना सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ कढ़ी भी बना सकते हैं। बेसन में डालना है बारीक कटा हुआ करी लीफ, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, छोटा टुकड़ा गुड़ का डालना है, जीरा हाफ स्पून से भी कम, अजवाइन हाफ स्पून से भी कम, और यहाँ पे आपको डालना है खाने का सोडा, फिर आपको डालना है नमक, उसके बाद में मिक्स कर लेना है। जैसे ही अच्छी तरह मिक्स हो जाता है आपको लेना है पानी और हल्का हल्का पानी डालना है, मिक्स करते रहना है। इस तरीके से आपको मिक्स करना है। आप जब कुकिंग सोडा डालेंगे, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, तो आपको बिल्कुल नरम रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। अगर टाइट रखोगे तो आपका जो पकौड़ा है वो उतना अच्छा फुला हुआ नहीं होगा और इतना अच्छा नरम भी नहीं होगा कुक होने के बाद में। आपको इस तरीके से बनाना है। बनाने के बाद में आपको एक बॉल में लेना है, उसके बाद में ढक्कन लगा के उसको आधे घंटे छोड़ देना है। दही लेने हैं 2 बॉल, यानी कि मैंने 200 ग्राम दही लिया हुआ है। दही आपको एक बर्तन में डालना है। डालने के बाद में आपको बेसन लेना है और वो डालना है 1.5 स्पून बेसन। दही में डालने के बाद में आपको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह मिलाएं ताकि बेसन का जो दाना दाना है वो ना रहे और दही के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर आपको लेना है एक पैन। पैन में डालना है आपको देसी घी। याद रखना है आपको देसी घी डालना है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी लिया है। मेथी दाना है 1/2 टीस्पून, मैंने यहाँ पे टीस्पून यूज़ किया है। मस्टर्ड सीड 1/2 टीस्पून, सरसों 1/2 टीस्पून डालने के बाद में आपको जीरा भी डालना है 1/2 टीस्पून। बिल्कुल कम कम डालना है हर एक चीज़। आपको लौंग लेना है 2 से 3 पीस, सिनेमन स्टिक 1 पीस, 2 से 3 पीस ड्राई रेड चिली। डालने के बाद में हल्का फ्राई करें। फिर आपको अदरक को कीमा करके रखना है, उसको डालना है 1/2 स्पून, और डालने के बाद में आपको हल्का भूनना है। फिर आपको डालना है हरी मिर्च, करी पत्ते, और आखिर में डालना है असाफोटेडा यानी हींग डालना है आपको। आप चाहे तो पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं या फिर आप पाउडर करके भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको तड़के के साथ में डालना है तो बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा इन मसालों के साथ। फिर यहाँ पे डालना है आपने जो दही और बेसन का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है, उसको यहाँ पे डाल लेना है और उसको 2 से 3 मिनट पकने देना है मीडियम फ्लेम पर, और चम्मच मारते रहना है ताकि नीचे से ना लगे। फिर आपको डालना है नमक। नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, फिर जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए तब तक आपको पानी नहीं डालना है। इस तरीके से थिक हो जाएगा तो आपका दही के साथ जो बेसन है उसका कच्चापन खत्म हो जाएगा और आपका जो कढ़ी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। उसके बाद में आपको ऐड करना है पानी। फिर आपको गैस का फ्लेम हाई करके आप 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह पका लें। पकाने के बाद में आपको लेना है गुड़। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून यूज किया हुआ है। आप 1 टेबलस्पून गुड़ ले लें या 1 टेबलस्पून से कम लें अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो। इसका जो टेस्ट होता है हल्का खट्टा और हल्का मीठा, हल्का स्पाइसी होता है, इस तरीके से इसका टेस्ट होता है। तो आपको इस तरीके से बना लेना है और हल्का पतला रखना है क्योंकि मैं इसमें पकौड़ी डालने वाला हूँ। अगर आप पकौड़ी नहीं डालेंगे तो हल्का सा इसको थिक कर लेंगे। मैं जब पकौड़ी डाल के निकालूंगा तो आपको देख लेना है इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको लेना है धनिया पत्ता, वो भी इसमें डाल लेना है। ये देख लीजिए मैंने पकौड़े को जो ढक के रखा हुआ था ये किस तरीके से मस्त सॉफ्ट एकदम मक्खन की तरह मुलायम हो चुका है। फिर आपको पैन में ऑयल गरम करके रखना है, सीधे उसमें पकौड़ी डाल लेना है। पकौड़ी डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई कर लें ताकि अंदर से कच्चा ना हो और आपका जो पकौड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बने। जब तक ये गोल्डन कलर नहीं आता है आपको तब तक फ्राई करना है। फिर आपको निकाल लेना है। ये देख लीजिए मैं तोड़ के भी दिखा देता हूँ कितना सॉफ्ट है और पक चुका है। तो आपको इस तरीके से बनाना है। बनाने के बाद में आपको इमीडिएटली बनाए हुए कढ़ी में डाल लेना है। याद रखना है आपको कढ़ी हल्का आपका गर्म हो और पकौड़ा भी आपका हल्का गर्म हो, या फिर आप इमीडिएटली आप ऑयल से निकाल के उसमें डाल सकते हैं।
डालने से क्या होगा, आपका जो पकोड़ा है वो गर्म होगा और ये जो कड़ी को अच्छी तरह अंदर खींचेगा और पकोड़ा आपका और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। फिर आपको लेना है धनिया पत्ता, डाल लेना है और उसको हल्का सा पकने देना है। आपका कंसिस्टेंसी इतना ठीक होना चाहिए और इसका जो कलर है वो वाइट होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है। और इस तरीके से बनाएं दोस्तों। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।